चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जो आया, कांग्रेस कहती है झूठ का पुलिंदा है, ठीक है, कांग्रेस का जो आया उसके लिए नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं झूठ का पुलिंदा है। अब इसमें से किस बात को सही माने, किस बात को नहीं माने, या वाकई जो कहा गया है वो पूरा पूरा हो जाएगा, या कुछ तो हम कर पाएंगे, ये एक उम्मीद मुझे लगता है इस पर जनता विश्वास कर ले। देखिए, नरोत्तम जी भाई साहब जो है ना, वो इतना ज्यादा बुरा कांग्रेस को इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि उनका जो कद है वो बहुत बड़ा है, बहुत उदार व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति है, इसलिए उन्होंने बहुत छोटी बात बोली, बहुत उन्होंने सीमित लेवल पर कांग्रेस के विषय में बोला, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये बेसिकली कांग्रेस का शपथ पत्र है, एफिडेविट है जनता के सामने। जैसे एक राम बाबा आए थे मंदसौर में, वो कह के गए थे ना कि अगर 10 दिन में किसानों का कर्जा नहीं हुआ तो मैं मुख्यमंत्री को कर दूंगा। फिर अंततोगत्वा क्या हुआ कि सिंधिया जी को ही, ज्योतिरादित्य जी को आगे आना पड़ा और मुख्यमंत्री को निकालना पड़ा। तो ये तो झूठ का एफिडेविट है। और बीजेपी के हमारे वरिष्ठ नेता नरोत्तम जी भाई साहब ने कहा, वो उनका उदारपन था कि उन्होंने उसको झूठ का एफिडेविट नहीं कहा, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि ये कागज का पुलिंदा नहीं, झूठ का एफिडेविट जनता के सामने आया है और जनता इनके मुंह पर फेंक के मरेगी, क्योंकि जिस प्रकार से जनता के साथ इन्होंने पिछली बार धोखा किया था, ये एक्सपोज हो गए हैं और इनकी किसी बात को भी कोई स्वीकार नहीं करता। आपने देख लिया पंजाब में भी किस प्रकार से जनता ने जूते इनको मारे हैं, हर जगह ये पिट रहे हैं, क्योंकि जो झूठ बोलता है उसका मुंह काला होता है और कांग्रेस का मुंह पूरी तरह से काला हो चुका है।